राज्य में किसान, मजदूर और सामान्य जनता की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकारी दरवाजे पर दस्तक दी। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। आम आदमी पार्टी की ओर से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने लिए और तमाम मांगों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे राज्य भर से यहाँ पे आए हुए। खुद आम आदमी पार्टी के देवेंद्र वानखेड़े जी हमारे साथ में, उनसे जाना चाहेंगे। वानखेड़े साहब, आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसके चलते आपको आंदोलन करने की सूझी? आपको मालूम होगा 5 साल पहले एक सरकार आई थी फडणवीस सरकार महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने भी बोला था कि हम शेतकरी का 7-12 कोरा करेंगे, उनको कर्ज माफी करेंगे और उनकी परिस्थिति ठीक करेंगे। 5 साल निकल गए लेकिन उनके कर्ज माफी हुई नहीं। बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एक योजना लाई गई, उसमें भी किसानों को दिशाभूल करने का काम फडणवीस सरकार ने किया। उनके साथ शिवसेना भी थी, अभी शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस सत्ता में आई है। जब सरकार बनने की थी सभी लोग किसानों के खेत में थे, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे जी तक सभी लोग किसानों के खेत में थे, लेकिन सरकार बैठने को 15 दिन हो गए। सरकार बनने के पहले बोल रहे थे हम सरकार बनाने के बाद तुरंत किसानों का कर्जा माफी करेंगे, 15-20 दिन हो गए, विधानसभा के 5 दिन निकल गए, अभी तक किसानों की कर्ज माफी का घोषणा उद्धव ठाकरे जी ने किया नहीं। बाकी जो स्वामीनाथन आयोग की बात है, केंद्र में सरकार आने के पहले, मोदी सरकार आने के पहले 6 साल पहले स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात मोदी जी ने हमारे यवतमाल जिले में आके की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र पे लिख के दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं कर सकते हैं। जब तक स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं होगा किसानों की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। आप सभी को मालूम है दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल सरकार है और अरविंद जी ने बिजली के दाम बहुत कम किए हैं, गरीब लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है, 400 यूनिट तक बिजली का दाम आधा कर दिया। महाराष्ट्र में बिजली का दाम 10-12 रुपए यूनिट है, किसान होगा, सामान्य जनता होगी, बिजली का बिल नहीं भर सकता है। स्कूलों की हालत काफी खराब है महाराष्ट्र के अंदर, सरकारी स्कूल में बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, टीचर नहीं है, डेस्क बेंच नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कोई व्यवस्था ना होने के कारण सब लोग। वानखेड़े साहब ये बताइए, अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो आपका अगली रणनीति क्या होगी? हम लोग ये आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे और बार बार सरकार के तरफ जाके किसानों के लिए उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफी करेंगे, तो हम लोग जब तक किसानों का कर्ज माफी नहीं होगा आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या नाम आपका? देवेंद्र वानखेड़े, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र। तो आप तो देवेंद्र वानखेड़े, जिन्होंने बात करते हुए ये कहा कि सरकार ने इनके और अभी भी अनदेखी की है, सरकार इनकी मांगों को दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। जिस प्रकार से दिल्ली में स्कूलों का जो दायरा बढ़ा हुआ है, सरकारी स्कूलों में आज हर तबके के बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे बिजली मुफ्त है और वहाँ पे जो आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जो बसें होती है, वो महिलाओं के लिए खासतौर पर फ्री किया है। ऐसे आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीम है अरविंद केजरीवाल, यदि वो दिल्ली में ये सब पैटर्न कर सकते हैं वो तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। साथ ही इन्होंने ये कहा कि एक नई महाविकास आघाड़ी सरकार अब की बार बनी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जहां किसानों का कर्जा माफ नहीं किया था और तमाम बातें जो थी वो यूं ही रखी थी, मगर अब नई सरकार है, इनसे आशा अपेक्षाएं थी। आज 15 से 20 दिन होने को आ रहे, सरकार बैठ गई, सरकार का वादा क्या हुआ? आखिरकार किसानों को जो कर्ज माफी देने वाली थी सरकार ने अभी भी नहीं दिया है, जिसके चलते सरकार को यह बात ध्यान में लाने के लिए आम आदमी पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और ये विधानसभा में जाके दस्तक देने वाले हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरा, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।